सीखेंगे हम किस तरह अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को अपनी वॉर जोन के साथ लिंक कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप जाओगे यार, आपको बहुत ज़्यादा तरीके मिलेंगे, बहुत से मतलब तरीके से लोग बताएंगे इस तरह करना है, इस तरह करना है, और बड़े बड़े मुश्किल तरीके से बताएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। जब यार मैंने भी शुरू किया था ना, तो मुझे भी बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, मुझे समझ नहीं थी आती कि यार लिंक किस तरह करें, बहुत मुश्किल तरीका था। आज यार मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमें लिंक करना है, और मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि यार आपको आसान से आसान तरीके में समझा सकूँ कि आपने किस तरह लिंक करना है। आपने बस वीडियो को पूरी देखना है, आपने जो स्टेप्स हैं उनको समझ के उनको फॉलो करना है। हर चीज़ इंशाल्लाह बहुत आप मतलब समझ जाएंगे, और आपको बहुत आसानी से अपनी वार्जन के साथ अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को लिंक कर सकेंगे। अगर आपको यार वीडियो पसंद आती है, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है वीडियो चैनल को। तो हम वीडियो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले यार आपने क्या करना है, आपने गूगल ऑन करना है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, अगर आपके पास आपकी एक्टिविजन की आपके पास आप आईडी आपने लगाई है तो ठीक है, नहीं तो आपको अपनी आईडी बनानी है। आईडी अब इस तरह के जो एक्टिविजन है और जो कॉल ऑफ ड्यूटी है ये एक ही है, ठीक है। आप कॉल ऑफ ड्यूटी की बना लो या आप एक्टिविजन की बना लो, दोनों एक ही होंगे। तो आपने सबसे पहले करना है, आपने अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ऑन करनी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ तीन ऑप्शंस है, गेस्ट के, कॉल ऑफ ड्यूटी के, और साइन विद फेसबुक, ठीक है। आपने आप फेसबुक को कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो आप मुझे बता कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी आपने पता क्या करना है, आपने ये माउस का निशान नजर है कॉल ऑफ ड्यूटी का, आपने करना है इस पर क्लिक। अगर आपकी पहले की आईडी बनी हुई है ठीक है तो फिर सही है, अगर नहीं बनी तो आपने क्रिएट पे जाना है, आपने नई आईडी बनानी है कॉल ऑफ ड्यूटी की, उसका नया ईमेल लगाना है, नया उसका पासवर्ड लगाना है, ठीक है। ये देखते हैं, ये आपका इंटरफेस आ जाएगा इस तरह, आप जब कॉल ऑफ ड्यूटी पे क्लिक करेंगे। यार अब आपने नीचे जाना है, ठीक है। अब आप अगर आपके पास पहले का आपका अकाउंट लगा है कॉल ऑफ ड्यूटी का, तो आप सिंपल सी बात है लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ नीचे आना है, ये लिखा हुआ है डोंट हैव एन एक्टिविजन अकाउंट, आपके पास आपका एक्टिविजन का अकाउंट नहीं है, तो आपने इधर से साइन इन करना है, और आप इधर से जाके आपने अपना कॉल ऑफ ड्यूटी का जो एक्टिविजन का अकाउंट बना लेना है। अगर आप यहाँ से नहीं बना सक बना पा रहे या फिर आपको कोई मसला आ रहा है, तो आपने सिंपल सी बात है आपने जाना है गूगल पे, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है एक्टिविजन। आपने एक्टिविजन सर्च करना है, ये सबसे पहला ऑप्शन खुल गया एक्टिविजन होम, आपने सिंपल सी बात है आपने एक्टिविजन होम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप या तो कॉल ऑफ ड्यूटी वहाँ मोबाइल के अंदर जाके इसका अकाउंट बना सकते हैं, या तो आप इधर आके बना सकते हैं। अब जहाँ से भी बनाएंगे ये पहले का लिंक होगा, पर ये बात ऐसा नहीं करना कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में जाके कॉल ऑफ ड्यूटी का अकाउंट लेता बनाना है और इधर आ गया आप कोई और ईमेल और पासवर्ड लगा रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो नहीं होगा, अगर हो भी जाता है ना तो आपस में लिंक नहीं होंगे। अगर आप वार्जन के साथ इसको लिंक करते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सेपरेट रहेगी, इसीलिए अगर आप लिंक करना चाहते हो सही तरीके के साथ, तो आपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पर जो आपने पासवर्ड और ईमेल लगाया है वही एक्टिविजन पे वही चलेगा, ठीक है। अगर आपने अगर इस यहाँ नहीं लगाया है, अगर वहाँ वहाँ मेरा लगा हुआ है, अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप एक्टिविजन पे आ गए हैं, ठीक है, ये मेरी मेरा लगा हुआ है। अगर आप मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं ये कर देता हूँ लॉग आउट, ताकि आपको मैं समझा सकूँ करना किस तरीके से है। लॉग आउट पे आपने सबसे पहले करना है, आपने अगर आपका अकाउंट नहीं है आपने साइन इन कर देना है, साइन इन करके नया अकाउंट बनाना है और वही कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे लगाना है, ठीक है। अगर वहाँ बनाया हुआ है तो वही वाला अकाउंट इधर आके लगाना है नया बना के, ठीक है। मेरा बना हुआ है तो मैं आपको सिंपल सा बात, आपने लॉग इन करना है अगर आपका भी बना है। अगर नहीं बना तो पहले अकाउंट बनाएं, उसको कॉल अपने मोबाइल पर चलाएं और फिर करें, ठीक है। यहाँ पर मैं ये आपको हाइड कर दूंगा ताकि मैं मतलब कोई मसला ना आ जाए, तो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने अपना पासवर्ड और ईमेल लगाना है, फिर आपने क्लिक कर देना आई एम नॉट रोबोट, साइन इन करना है। बहुत आसान तरीका है, बस आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आपको समझ आएगी। या देख रहे हैं प्रोफाइल, मेरा अकाउंट लिंक हो गया ऑन है और ये प्रोफाइल खुल गई, आपने क्लिक करना है प्रोफाइल पे। अब आपका जो है ना कॉल ऑफ ड्यूटी का लिंक बन गया, उसका अकाउंट बन गया कॉल ऑफ ड्यूटी का। अगर पहले का बना है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप वहाँ मोबाइल पर जाके या यहाँ जाके अपना अकाउंट बनाएं और दोनों तरफ वही चलाएं, एक्टिविजन पे भी और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे भी। ये मेरा अकाउंट खुल गया है, अब आपने इसका अकाउंट आपका बन गया। अब आपने एक और काम करना है, आपने न्यू टैब खोलना है, आपने यहाँ जाके गूगल पे सर्च करना है ब्लिजर्ड, ठीक है, BLIZZARD ब्लाइजर्ड करके एंटर कर देना है। पहला ऑप्शन खुला है ब्लाइजर्ड इंटरटेनमेंट, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ये पहला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये सर आपका इंटरफेस आया है, ठीक है, इधर भी मेरी आईडी लगी हुई है। अब आप ये इस पर आके आपने लॉग इन करना है। आप इस पर जरूरी नहीं है कि आप वही वाला ईमेल और पासवर्ड लगाओ जो वहाँ पर है, ठीक है, आप इस पे मुख्तलिफ लगाओ, मुख्तलिफ ईमेल लगा लो, आप मुख्तलिफ पासवर्ड लगा लो, उसका कोई मसला नहीं है।
मेरी यहाँ पर पहले की लॉगिन हुई है। अगर आपकी लॉगिन नहीं होती है तो आपने सिंपल सी बात है लॉगिन मैं करके आपको दिखाता हूँ यहाँ भी, ताकि आपको ऐसा स्टेप ना हो जो आपसे रह जाए। ठीक है, ये मेरा अकाउंट अब हो गया है, ख़त्म हो गया। अब मैं इसको दोबारा लॉगिन करूँगा। आपने जाना है माई अकाउंट पे और लॉगिन पे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने नीचे वाला जो ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू, ये देख रहे हैं, क्रिएट अ फ्री battle.net अकाउंट, अगर आपका नहीं बना आपने इस पर क्लिक करना है और अपना नया अकाउंट बनाना है। और उस पर मुख्तलिफ ईमेल पासवर्ड, ज़रूरी नहीं वही वाला लगाएं जो एक्टिवेशन पे लगाया, इस पर आपने वो लगाना है। और सिंपल सी बात है, ये इधर जाके ऑन करना है। मैं ये लगा लूँ पहले, मेरा पहले के दोनों बने हुए यार, मेरे लिंक भी हैं, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सका मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूँगा आपको हर चीज़ की एक एक चीज़ की समझ आए, ताकि कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। ये एक बार ये चीज़ ऐसी है, एक बार समझ जाओगे फिर कभी भूलेगी नहीं। अब मेरा अकाउंट खुल गया है, मैंने रेड ड्रैगन के नाम से इसका भी अकाउंट बनाया हुआ है और ये मेरा खुल गया। आप देख सकते हैं यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये मेरा अकाउंट बन गया है, ये मेरा नाम है, ये जो मतलब वारजून में चलता है वगैरह सर। आपने ऑन कर ली, ये आपका सारा इंटरफेस आ गया है, मतलब आपकी आईडी लग गई है। जब ये आ गया तो इसका मतलब आपकी लाइल अकाउंट डिटेल में जा सकते हैं। आप यहाँ जाके कुछ भी चेक करें, नीचे आए सब कुछ ओके है, कोई मसला नहीं है। अब आपने एक स्टेप और करना है, जो ये फाइनल स्टेप होगा, इसको गौर से समझना है आपने। आपने दोबारा जाना है, ये टैब बंद नहीं करना आपने, इस टैब पर दोबारा जाना है। और जैसे मतलब मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इधर आया हूँ, आपने दोबारा जाना है, आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है बैक जाके। ये न्यू प्रोफाइल खुली है, आप देख सकते हैं। आपने जाना है अकाउंट लिंकिंग पे, अगर पहले का बेसिक इनोफ है आपने इसको ख़त्म कर देना है। आपने जाना है अकाउंट लिंकिंग पे। अब यहाँ आप अपनी अकाउंट को प्ले स्टेशन के साथ लिंक कर सकते हैं, एक्सबॉक्स के साथ कर सकते हैं, स्टीम के साथ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको करना है अपनी वारजोन के साथ लिंक, तो आपने ब्लाइजर्ड पे जाना है। ये ब्लाइजर्ड का अकाउंट है, ये मेरा लिंक है पहले का, लेकिन आपका जिस तरह ये प्ले स्टेशन के ऊपर लिखा है ना लिंक अकाउंट, इस तरह आपका ब्लाइजर्ड पर लिखा होगा लिंक। आपने उसको लिंक करना है और लिंक करके वो फिर आपसे ईमेल और पासवर्ड पूछेगा। अब आपने इस पे जाके वो वाला ईमेल और पासवर्ड लगाना है जिस पे आपका ये ब्लिज़र्ड का अकाउंट बना हुआ है, वो नहीं लगाना जो एक्टिवेशन है, वो तो इधर लगा हुआ है, ठीक है, उसके साथ वो लगाना है। और जब ओके कर देगा आपने लिंक कर देना, सिंपल सी बात, उसे लिंक कर देना है। आप ये देख रहे हैं मेरी आईडी लिंक है, जिस तरह आपका ये वाला आ गया अनलिंक वगैरह ये सब उस तरह का हो गया, इसका मतलब आपका अकाउंट सक्सेसफुली के उसके साथ एक्टिवेशन के साथ लिंक हो गया ब्लिज़र्ड का, ठीक है। और अब बस ये आपका इतना सा काम था, ये आप हो गया, अब आपकी जो वारजोन है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के साथ लिंक हो गया है। तो यहाँ अब आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने यहाँ ब्लिज़र्ड सर्च करना है, ठीक है, ब्लिज़र्ड डाउनलोड या ब्लिज़र्ड ऐप कुछ भी कर लें पीसी के लिए, ये मोबाइल का भी है और ये पीसी का भी है। आपने पीसी का डाउनलोड करना है, से आपका सिंपल सी बात है, डाउनलोड करके ब्लिज़र्ड लिख के मैं आपको सब बता भी देता हूँ। ब्लिज़र्ड ये ब्लिज़र्ड आ गया डाउनलोड, ब्लिज़र्ड इंटरटेनमेंट, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ये आ गए आप, ठीक है। आपने किसके लिए करना है, आपने विंडोज़ के लिए करना है, आपने जिस चीज़ के लिए भी करना है आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा ये। आपने जब डाउनलोड कर लिया, आपने बैक आना जहाँ पर आप इंस्टॉल करोगे, मेरा इंस्टॉल हुआ है, ये देख रहे हैं, ये battle.net का अकाउंट बना हुआ है, इसको आपने करना है ऑन। और आप, मैं आपको बता ये भी बता दूँ कि जो वारजून है वो बिल्कुल 100% कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से फ्री है, ठीक है, और कोई उसमें मसला नहीं है। आपने इधर जब इंटरफेस खुलेगा, इसमें चंद गेम है ब्लिज़र्ड में, लेकिन इसमें यह है कि वारजोन हो गई है फ्री। तो आपने यहाँ आना है, यहाँ पर अब मेरा सीधा खुल गया है, लेकिन आपका नहीं होगा। आपको वो अब पहले आपको आएगा अंदर, आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, आपका ईमेल पूछेगा, जो आपने गूगल पे जाके ब्लिज़र्ड का लगाया था ना, आपने वही वाला इधर लगाना है, ठीक है, ये आपका खुल जाएगा। आप अपनी मर्जी से अपना नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने रेड ड्रैगन रखा है, आप कुछ भी रख लें, ठीक है। आपने बस इस पर आना है, आपने वारजोन, ये वारजोन है, और कोई भी गेम जो है ना वो फ्री नहीं है, वो सारी पेड गेम्स हैं। आपने वारजोन के साथ लिंक करना है, आप वारजोन ऑन करनी है, यहाँ पर जहाँ प्ले का निशान है ना यहाँ पर लिखा होगा इंस्टॉल। और ये गेम जब मैंने इंस्टॉल की है, मुझे 2 से 3 दिन हो गया, और ये गेम थी तकरीबन 90 या 95 GB की, 90 या 95 GB की गेम थी, ठीक है। और ये आपने डाउनलोड करनी है, आपका लिंक जो है आपका सक्सेसफुली लिंक हो चुका है, ठीक है। आपने अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, आपने सिंपल सी बात है, आपने इधर जाना है और इधर से देख लेना है, ये देख रहे हैं आपका ये निशान अनलिंक लिखा है, आप इसको अनलिंक भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर ये निशान आ जाता है इसका तो आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, लिंक हो चुका है, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर उसके अंदर जाके कोई मसला आता है, तो वो कोई आपको नहीं समझ आ रही है, वैसे कोई मसला आएगा तो नहीं, अगर आप बिल्कुल सेम स्टेप्स जैसे मैंने समझाए हैं करेंगे, कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आ जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो
मसला आपका हल करा दूंगा, आपको मैसेज करके बता दूंगा, या अगर कोई ज़्यादा बड़ा मसला हुआ तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना लूँगा, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका, आपने कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले करनी है, अगर कोई चैंपियनशिप वगैरह जैसी आती है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में हर साल आती हैं कि अपना लिंक करो वारजोन के साथ और वारजोन प्ले करो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ये चीज़ मिल जाएगी। और फिर जब आप प्ले करोगे वारजोन कोई भी एक दो मैच जितने भी वो कहते हैं, जब खेलोगे तो आपको वो लिंक होगा तो मिल जाएगा आपको, तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी चैंपियनशिप खेलता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, मैंने भी बिल्कुल इसी तरीके से लिंक किया, मुझे कोई मसला नहीं आया। मैंने जब वो खेली थी मुझे करेक्टर्स भी मिले थे, मुझे और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली थी वार्जुन खेलने की वजह से।